गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लाल क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, हमने हाल ही के वीडियो में दो लेक्चर टाइप्स ऑफ नाउन ही कंप्लीट किए हैं। एक पहला किया है प्रॉपर नाउन और उसके बाद हमने किया था कॉमन नाउन, और आज हम करेंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो चलिए आज कलेक्टिव नाउन को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। कलेक्टिव नाउन, इट इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टूगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। देखिए यहां पर क्या बात की जा रही है, यहां पर यह बात की जा रही है कि वो नाम वो नंबर का, ठीक है, नाम वो नंबर का जिसमें कि हम एक साथ ही जिसको लेते हैं। ठीक है, अगर पर्सन एक से ज्यादा है, ठीक है, अगर उसको हम एज अ होल लें, और चीज अगर एक से ज्यादा है और उसको हम एज अ होल लें, तो वो हमारा हो जाता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, मतलब कि हम बात कर रहे हैं कि एक जगह पर तीन से चार बच्चे खड़े हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, यही तो कहेंगे, है ना। तो ये एक हमारा ग्रुप हुआ कि नहीं। तो हम जब एक ग्रुप को अपना एक नाउन बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, उसी की यहां पर बात हो रही है। देखिए क्राउड, क्राउड, मॉब। अब देखिए क्राउड की बात करते हैं, जहां पर एक से ज्यादा लोग होते हैं, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, मतलब कि अच्छे खासे, जिसको हम कह सकते हैं कि हम गिन नहीं सकते, बहुत सारे लोग। ठीक है, तो वो हमारे आ जाते हैं क्राउड में। ऐसा ग्रुप हमने एक उनको, उस पूरी एरिया को, जितने भी लोग वहां पर खड़े हैं उन सबको हमने एज अ ग्रुप ले लिया, और उसको क्या एक नाम दे दिया, क्राउड। नहीं तो ऐसे हमको सबका नाम लेना पड़ता, जो जो वहां पर थे, मोहन, सोहन और जो भी रवि, जितने भी लोग थे वहां पर, सबका नाम लेना पड़ता। तो हमको तो लग रहा है कि अगर मैं ऐसा करता तो इससे मेरा आधे घंटे तो सिर्फ नाम ही लेना पड़ जाता मुझको। मगर उसके अलावा, उसके जगह मैंने क्या किया, वहां पर मैंने कह दिया क्राउड। ठीक है, क्राउड से क्या हुआ, अब वहां पर जितने भी लोग थे सबको एज अ होल मैंने बता दिया क्राउड। ये एक हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, मॉब, मॉब भी वही क्राउड की तरह ही होता है। टीम, अब टीम में देखिए, जैसे इंडियन टीम है, क्रिकेट टीम है, उसमें कितने खिलाड़ी खेलते हैं, 11 खिलाड़ी खेलते हैं, मगर उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इंडियन टीम। तो अब देखिए एज अ ग्रुप हमने पूरा ले लिया, 11 प्लेयर्स को हमने ग्रुप में ले लिया और उसको डिनोट कर दिया इंडियन टीम से। तो इंडियन टीम में अब जो 11 प्लेयर थे वो सब आ गए। ठीक है, तो ये हमारे हो गए ग्रुप ऑफ नाउन। ठीक है, ग्रुप ऑफ नेम्स जो कि एक में आ गए, तो एक में जब एक पूरा हमारा ग्रुप आ गया तो वही हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाता है। ठीक है, हर्ड हो गया, हर्ड हम लोग कब यूज करते हैं, कैटल हो गई, बफेलोज हो गई, कैटल हो गई, जब इनका एक से ज्यादा कैटल्स होती है तो हम लोग बोलते हैं हर्ड ऑफ कैटल। ठीक है, फ्लॉक हो गया, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स जब एक से ज्यादा होती है तो हम उसके ग्रुप के लिए हम लोग फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यूज कर देते हैं। आर्मी हो गई। ठीक है, अब जैसे सोल्जर होते हैं, अब ये बताइए आर्मी में क्या एक ही सोल्जर होता है, नहीं, बहुत सारे सोल्जर होते हैं। अब हम उसको कैसे डिनोट कर देते हैं, आर्मी कह के डिनोट कर देते हैं, और हमको इससे पता चल जाता है कि आर्मी जो है वो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, उसमें बहुत सारे सोल्जर हैं, और उसको हम एज अ, जब हमको एक एज अ वन डिनोट करना है तो हमने क्या कह दिया, आर्मी कह दिया उसको। ठीक है, फ्लीट हो गया, फ्लीट में क्या है, अगर एक शिप होगा तो हम चलिए शिप कह देंगे, मगर नंबर ऑफ शिप्स होंगे तो उसको हम कहेंगे फ्लीट ऑफ शिप्स। ठीक है, वो पूरा हमारा ग्रुप हो गया। जूरी, जूरी क्या होते हैं, जज होते हैं, अगर एक जज होगा तो हम उसको जज से डिनोट कर देंगे, मगर नंबर ऑफ जज होंगे, 2 या 3 जजेस होंगे, तो उसको अगर हमको एज अ होल डिनोट करना है, एज अ ग्रुप डिनोट करना है, तो उसको हम कह देंगे जूरी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड, अब पुलिस ने क्राउड को यहां वहां कर दिया। ठीक है, अब एक जगह खूब जो है बवाल मच रहा था, ठीक है, लड़ाई वगैरह, दंगा वगैरह चल रहा था, तो पुलिस तुरंत आई और पुलिस ने पूरा क्राउड को यहां वहां कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमने यहां पर यूज किया है क्राउड, अब क्राउड में एक दो नाम तो होंगे नहीं, किसी मोहन सोहन ही होंगे, मोहन होंगे, सोहन होंगे, रवि होंगे, और भी जितने भी रियांश होंगे, जितने भी और मतलब कि नंबर ऑफ पीपल वहां पर हो सकते हैं। ठीक है, मगर उसके लिए हमने एक वर्ड से डिनोट किया इसको पूरे को, तो हमने कह दिया क्राउड। अब हमारा क्राउड ये कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड एट वाटरलू, अब बताइए यहां पर लिखा है द फ्रेंच आर्मी, तो क्या एक ही सोल्जर वहां पर डिफीट हुआ, एक ही सोल्जर हारा, नहीं, अब फ्रेंच आर्मी में जितने भी उनके फ्रेंच के सोल्जर्स थे उनको हराया गया, उनको हराया गया
एट वाटरलू, वाटरलू पर, तो हमको सिर्फ आर्मी पे ध्यान देना है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। एज अ कलेक्ट करके हमने इसको, हमने जब चार पांच लोग थे हम लोगों ने उनको जोड़ के जब एक में कर दिया तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया, आर्मी बन गया। अ फ्लॉक ऑफ शीप, अब भेड़ होती है, एक भेड़ होती है तो शीप कह देते हैं, ठीक है। अब दो चार भेड़ होती है उसको हमको एक नाम से अगर डिनोट करना है तो फ्लॉक ऑफ शीप हो गया, ठीक है। अब शीप का ग्रुप, ठीक है, भेड़ों का ग्रुप, तो हमने उसको अ फ्लॉक ऑफ शीप कह दिया, ठीक है। अ क्रू ऑफ सेलर, ठीक है, अब जो पानी में सफर करते हैं उनको हम लोग सेलर कहते हैं। तो एक सफर, एक तो सफर करता नहीं है, और जब एक भी सफर करता है और एक से ज्यादा सफर करते हैं तो उसको हम अगर एक वर्ड से इग्नोर करेंगे तो उसको हम कह देते हैं अ क्रू ऑफ सेलर, ठीक है, उसको हमने क्रू से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए क्रू आ गया यहां पर। अब सिक्स देखते हैं, द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, ठीक है। अब ज्यूरी ने पाया कि जो प्रिजनर था वो दोषी था, ठीक है। तो अब देखिए ज्यूरी, अब ज्यूरी में नंबर ऑफ जजेस होंगे, दो से तीन जजेस होंगे, तो अब उन जजेस का उनका प्रॉपर नाउन ना लेके, उनका प्रॉपर नाम ना लेके एक एक करके ना, नहीं हमने उनका नाम लिया, हमने एज अ होल बता दिया। तो जब हमने एज अ होल बता दिया तो वो हमारा डिनोट कर दिया गया किससे, ज्यूरी से, और ज्यूरी से हम समझ गया कि नंबर ऑफ जजेस है इसके अंदर, ठीक है। तो अब एज अ ग्रुप हमने जब जजेस को डिनोट किया तो उसको हमने ज्यूरी से डिनोट कर दिया, ठीक है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। एक हमारा एग्जांपल छूट गया था, वो था अ हर्ड ऑफ कैटल, ठीक है, हाँ, अ हर्ड ऑफ कैटल। अब कैटल है गाय वगैरह है, ठीक है। अब गाय, एक से ज्यादा जब गाय होती है, जब वो चारा खाने जाती है, तो अब हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, अब एज अ ग्रुप हमको बताना है, एज अ ग्रुप एक एक वर्ड से हमको डिनोट करना है, तो हमने हर्ड कह दिया, एच ई आर डी, हर्ड, ठीक है। तो हर्ड हमारा यहाँ पर क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो में मैं उसे क्लियर करूं। थैंक यू सो मच।